हेलो सर, आप भोजपुरी बजाओ बिहार यूट्यूब चैनल के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले मैं दर्शकों को भोजपुरी बचाओ बिहार यूट्यूब चैनल के माध्यम से हैप्पी न्यू ईयर 2022। आज 1 जनवरी है और आज मैंने सेलिब्रेट अपना 26 ईयर यानी कि जन्मदिन मनाकर किया। और आप लोग को विश यू और आप लोग हमेशा खुश रहें। और आज मैं भोजपुरी भारत यूट्यूब चैनल पर जो हमारे इंटरव्यू करता है यानी कृष्णा सर हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने भोजपुरी बचाओ बिहार एक यूट्यूब चैनल चलता है जो हमारे माध्यम से चलता है। और एक चैनल नहीं है, एक संस्था है ये, और एक संघ है, एक टीम कहिए। और इस टीम के माध्यम से बिहार में जितने भी भोजपुरी या कलाकार हैं, आपको बता दूं, जो भी लोग गलत गाने निकाल रहे हैं, अश्लील गाने निकाल रहे हैं यानी कि डबल मीनिंग के गाने निकाल रहे हैं, उन पर ये भोजपुरी बचाओ बिहार पूरी टीम जो है पूरी शिकंजा से उनके पीछे पड़ गई है। और उनको जब तक चैन से सोने नहीं देगी जब तक वो अपने आप को अच्छे रूप में ढाल ना लें और अच्छी सॉन्ग्स निकालना प्रारंभ ना कर दें। और बिहार में जिस तरीका से आज वल्गैरिटी फैल रही है, बता दूं कि इन गानों की वजह से आज बहुत सारे बच्चियों का जो लाइफ है, करेक्टर है, बहुत खराब हो चुका है। और खासकर बता दूं कि स्टूडेंट लोग यानी कि न्यू जनरेशन के जो बिहार के बच्चे हैं उन पर काफ़ी असर पड़ता है। जब भी मैं रास्तों से गुजरता हूं तो मैं देखता हूं कि ट्रैक्टर वाले, ठेला वाले, ट्रक वाले यानी कि ऑटो वाले, टेम्पू वाले, स्कूल की जब छुट्टियां होती हैं, बच्चे जब क्रॉस करते हैं, बच्चे बच्चियां स्कूल से जाते हैं, तो उस समय वो गलत गलत गाने बजाते हैं। और खासकर गानों में नाम लेकर के जो ये कजली, नेहवा, ये सब फलान तरह के नाम लेते हैं वो, तो ये बहुत गलत है। और किसी की इज्जत के साथ खेलना बहुत खिलवाड़ी, चूंकि हमारी भोजपुरी हमारी संस्कृति है, भोजपुरी हमारी माँ है, भोजपुरी हमारी माटी है। और इसके प्रति अगर कोई भी अगर गलत करता है या फिर हमारी माटी के प्रति अगर गलत गाने निकालता है, तो उनके प्रति हम लोग पूरा टीम मिल करके हम लोग उन पे धावा बोलेंगे और उनको कानूनी कार्रवाई करेंगे और उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे हम। और आगे सर, जिस तरीका से बोलिए, पूरे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी भोजपुरी माटी के हमारे लोग हैं, भोजपुरी जितने भी संस्था चल रही हैं, वहाँ पर हम लोग इसका ऐलान कर चुके हैं कि भोजपुरी बचाओ बिहार टीम पूरे भारत में नहीं, विदेशों तक भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और इसका जो आवाज़ है यानी कि गांधी मैदान तक जाएगा, यानी पटना के गांधी मैदान तक जाएगा कि भोजपुरी में जिस प्रकार से गाने या डबल मीनिंग के जो गाने रिलीज किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ कंपनियां जो पैसे कमाने की वजह से व्यूवर्स पाने के लिए जो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, भोजपुरी कंपनियां जो कि गलत गलत गाने रिलीज कर रही हैं, उन पर भी हम उनके फिल्म के जो निर्माता या कंपनी के जो निर्माता हैं उन पर भी हम लोग शिकंजा कसेंगे और उनको भी बायकॉट करने का काम करेंगे, उनके ऊपर भी कानून कार्रवाई करने का हम लोग कोशिश करेंगे। जी सर, थैंक यू, इतना ही आपसे जानना था।